हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप ये रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। सबसे पहले मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो भी डार्क एरियाज हैं उनको ऑप्ट करने के लिए। आउटलाइन के लिए मैंने 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया था और लाइटली ड्रॉ किया था, तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी रेफरेंस फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो मैंने इसको डार्क कर लिया है, अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगा ब्रश का यूज़ करके। आप पेपर स्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ज़्यादा पैसे का अप्लाई नहीं करना है। और बीच में जो मैंने जगह छोड़ी है वहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह हैं, तो इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। तो हाइलाइट्स वगैरह, शेडिंग वगैरह आप रेफरेंस फोटोग्राफ में देख के ड्रॉ कर लेना। अब फिर से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो भी डार्क एरियाज हैं छोटे मोटे उनको ऑप्ट करने के लिए। और फिर इसको ब्लेंड कर सकते हैं, पेपर स्टम का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। और इससे अब मैं कंप्लीट आई को एक बार जो भी डार्क एरियाज है ना उनको डार्क कर लूँगा। काफ़ी इजी है अगर आप ड्रॉ करेंगे तो। इस तरह से बस एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, तो मैंने एक ही का यूज़ किया है। जो भी लाइट एरियाज हैं उसके लिए मैं ग्रेफाइट का यूज़ कर लूँगा। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं जो फर्स्ट लेयर मैंने ऑप्ट किया। और मेरे स्ट्रोक्स देखो, मैंने आईलेसेस की डायरेक्शन में ही लगाए हैं, तो वो आप रेफरेंस फोटोग्राफ में देख लेना। अब फिर से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में। अब सेकेंड लेयर को भी ब्लेंड कर देते हैं ब्रश का यूज़ करके। अब आईज़ के चारों तरफ मैं शेडिंग करता हूँ, तो मैं 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं रफ पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर लाइट पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा लाइट शेडिंग के लिए। लाइट टू डार्क के जाएंगे तो मैं पहले 2H का यूज़ कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ शेड कर देंगे। सो अब इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ मैं पहले। ज़्यादा स्मूथ ब्लेंड करने के लिए हम टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आईब्रोज की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। वैसे आईब्रोज पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे डेप्थ वाले एरियाज होते हैं डार्क एरियाज, तो यहाँ पे आप 4B 6B पेंसिल का यूज करके डार्क शेडिंग कर सकते हैं।
तो अब टोम्बो जीरो इरेजर का यूज़ करके मैं हाईलाइट्स को ऑप्ट करता हूँ, जो भी आई लेजेज वगैरह हैं जहाँ पे वाइट वाइट हेयर्स हैं तो उनको हम ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे छोटे मोटे हाईलाइट्स हैं तो हम इरेजर्स का यूज़ करके ऑप्ट कर सकते हैं। और अब आई लेजेस ड्रॉ करने के लिए मैं उसी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैंने शार्प कर लिया है। और आई लेजेस की डायरेक्शन में हमें आई लेजेस लगाने हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने कुछ स्ट्रोक्स लगाने हैं, तो रेफरेंस फोटोग्राफ में देख लेना, कुछ इसी तरह से आपको लगाने पड़ेंगे। बीच में यहाँ पे भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी शेड करके ब्लेंड करके थोड़े बहुत हाइलाइट्स कर लेंगे। एक्सट्रीमली वाइट एरियाज को ऑप्ट करने के लिए हम व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा मत करना, जैसे मैंने पहले व्हाइट टोम्बो जीरो का यूज़ किया था वाइट एरियाज को ऑप्ट करने के लिए। जितने अगर आपको लाइट एरियाज हैं, अगर ज़्यादा एक्सट्रीमली वाइट हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो वाइट वाइट है वो अजीब सा लगता है, तो इसको ब्लेंड जरूर कर देना। तो मैं अब यहाँ पे जो ये स्केल रहा होता है वाइट वाइट एरिया, तो यहाँ पे कुछ नशे से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि होती हैं यूजुअली, आपने देखा होगा, वैसे रेफरेंस फोटोग्राफ में तो नहीं है, बट इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी आई कंप्लीट हो चुकी है, इसमें थोड़ी और फिनिशिंग कर लेते हैं, जो भी डार्क एरियाज हैं उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो डार्क एरियाज हैं, और आईब्रोज को भी थोड़ा ठीक कर लेंगे, उसमें हाईलाइट्स वगैरह कर लेंगे, और जो हेयर वगैरह हैं उनको ऑब्जर्व करके एक एक हेयर को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। सो सेकेंड आई भी सेम इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे, मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब की ओर मैं आई को पहले ब्लेंड नहीं करूँगा, पहले मैं कंप्लीट शेडिंग कर लूँगा, उसके बाद आई के चारों तरफ मैं ब्लेंड करूँगा, फिर मैं आई के अंदर का ब्लेंड करूँगा। अब की बार मैं पहले ब्लेंड कर रहा हूँ आई के चारों तरफ वाला एरिया, क्योंकि वो ग्रेफाइट है तो काफ़ी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है। पहले अगर चारकोल को ब्लेंड करोगे तो चारकोल फैल सकता है चारों तरफ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले ग्रेफाइट वाला काम कर लो, उससे अच्छे से शेडिंग वगैरह कर लो, उसके बाद आप चारकोल से करो तो काफ़ी ईजी भी रहता है। पहले वाली आई को ड्रॉ करने मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, बट जो सेकेंड आई है उसको ड्रॉ करने मुझे काफ़ी कम टाइम भी लगा। बाकी मेथड तो वही है, शेड करके ब्लेंड करके हाईलाइट्स वगैरह कर लें, काफ़ी इजी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द फाइनल ड्राइंग, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।